एक बार फिर से, बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे, ऐसा चूल्हा नहीं बना पाएंगे। और ये गांव के रहने वाला लड़का देखिए कमाल कर दिया, जरल मोबाइल से ये चूल्हा जलता है और गैस से भी ज्यादा फास्ट काम करता है। यहाँ देख सकते हैं मात्र 5 मिनट में दाल बन जाता है। 10 दिन से गैस खत्म है तो इसी पर खाना बनता है, तो मंगाए भी नहीं है गैस खत्म होने के बाद। अच्छा, और मेरा गैरेज से बेस्ट मोबाइल निकल जाने का कवार का टंकी है, स्टोव वाला कवार वाला टंकी है, बाद बाकी सब कुछ जो है सब लोहा खरीद के लाए हैं कवारी से, उसको बनाए। मतलब कवार का सामान जो भी है सब कवार जी, सब कवार भी हो चुकी है। हाँ, शादी हो गई। बीबी तो खुश हो गई? खुश तो पूरा घर में सब है, जो आप तो गैस में तो रुपया लगता नहीं है, खुश तो सब है। बीबी तो सबसे ज्यादा खुश है। हाँ, परेशानी तो सबसे ज्यादा उसी को ना होती। समस्तीपुर के लाल ने कर दिखाया कमाल, एक जुगाड़ू सामान से चूल्हा ऐसा बनाया जो कि देख सकते हैं जरल मोबिल से ये चूल्हा जलता है और मात्र 5 मिनट में दाल बन जाता है, 5 मिनट में चावल बन जाता है। और देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये चूल्हा जल रही है, यहाँ पे दिखाइए, थोड़ा सा ध्यान से दिखाइए, एकदम देसी जुगाड़ से इसको बनाया गया है। और इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर भी ऐसा नहीं कर दिखा पाएगा, वो एक समस्तीपुर के लाल ने कर दिखाया। कैसे कर पाए भैया? हाथ से बनाए। हाथ से बनाए जी। क्या नाम हुआ आपका? धीरेंद्र धमाका। कैसे ये दिमाग में आया और ये आपने बना दिया? ये आइडिया आते रहता है, कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। आज से 15 साल पहले हम पेट्रोल से चलने वाला साइकिल बनाए थे। हाँ। उस समय सोशल मीडिया का उतना चलन नहीं था। पेट्रोल से चलने वाला साइकिल बना जी, वो 100 रुपया में 200 किलोमीटर चलता था। 100 रुपया में 200 किलोमीटर जी। आप अच्छा। दिखा दीजिएगा, हम उसका क्या कहता है आप भेज देंगे, वो दिखा दीजिएगा। अच्छा। और उसके बाद टीवी वाला कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे, टीवी से बाहर निकल के झापट मारता है। हाँ। तो वो काफी वायरल हुआ था, तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और क्या कहता है बहुत सारा हॉलीवुड और भोजपुरी के शेयर किए थे ट्विटर पे और लाइक भी किए थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ऐसे मोटरसाइकिल गैरेज है तो दिमाग में आया और 1 महीना लगा इसको बनाने में, बना दिया। अच्छा, तो मतलब इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी किए है क्या? नहीं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं की है। बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे, दिखाइए एक बार फिर से, बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे, ऐसा चूल्हा नहीं बना पाएंगे। और ये गांव के रहने वाला लड़का देखिए कमाल कर दिया, जरल मोबाइल से ये चूल्हा जलता है और गैस से भी ज्यादा फास्ट काम करता है। यहाँ देख सकते हैं मात्र 5 मिनट में दाल बन जाता है, और जब इसका कम भी होता है और बेसी भी, अगर इसको ताव बढ़ाना है तो यहाँ पे बढ़ जाता है, कम करना हो तो कम हो जाता है। राइट, जैसा जरूरत हो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया है। खाना बनाते हैं इस पे? हाँ, करीब 10-12 दिन से खाना बनाते हैं। 10-12 दिन से इसी पे खाना बनाते हैं? इसी पे खाना बनता है। अच्छा, गैस खत्म हो गया था इसलिए बना दिए थे इसको? नहीं नहीं, मतलब गैस से 5 दिन का बचा हुआ था तो उसको बना के लाए थे, गैस खत्म होने के बाद 5 दिन करीब करीब 10 दिन से गैस खत्म है तो इसी पर खाना बनता है, तो मंगाए भी नहीं है गैस खत्म होने के बाद। अच्छा अच्छा। और मेरा गैरेज से बेस्ट मोबाइल निकल जाता है तो उसी पर चल जाता है। क्या क्या मतलब इसको बनाने में लगा है? ये हमारे पास पुराने जमाने का कवार का टंकी है, स्टोव वाला कवार वाला टंकी है, बाद बाकी सब कुछ जो है सब लोहा खरीद के लाए हैं कवारी से, उसको बनाए। मतलब कवार का सामान जो भी है सब कवार जी, सब कवार का सामान। कितना दिन लगा था बनाने? ये करीब करीब 1 महीना लग गया था आपको बनाने? 1 महीना लग गया था बनाने। अभी सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी ज्यादा ये वायरल चल रहा है कि देसी जुगाड़ से बना के चूल्हा को, मतलब बहुत ही यूजफुल है। इसमें किसी प्रकार का, आप देखिए कुकर चढ़ा हुआ है, ये किसी प्रकार का इसमें ना ही धुआं है और ना ही बदबू आ रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि धुआं आता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप जिस तरीके से गैस पे खाना बनाते हैं ना, सेम उससे भी अच्छा फीलिंग इस पे आएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा भी धुआं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं मोबिल जल रही है। जी, सही बात है। तो मतलब कहीं से ऑफर वगैरह आया है चूल्हा का? नहीं, अभी किसी प्रकार का ऑफर नहीं आया है, और मार्केट में अभी करीब करीब 5-6 चूल्हा बनाए हैं जो अपने गांव में ही सब खाना बना रहे हैं। बाद बाकी इसको मार्केट में लाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन से सब करवाना होगा, उससे जांच प्रतिक्रिया होगा, उसके बाद मार्केट में आएंगे। अच्छा, शादी भी हो चुकी है? हाँ, शादी हो गई। बीबी तो खुश हो गई? खुश तो पूरा घर में सब है। हाँ। जो आप तो गैस में तो रुपया लगता नहीं है, खुश तो सब है। बीबी तो सबसे ज्यादा खुश। हाँ, परेशानी तो सबसे ज्यादा उसी को ना होता है। बीबी क्या बोली है आपकी? बोलेगी क्या हुआ आप, मतलब 2-4 दिन इसको ट्रेनिंग देना पड़ा चलाने के लिए, अब वही आप खुद से बना के। आपकी बीबी सीख गई है खाना बनाना? हाँ, वो सीख गई इसको चलाने। अच्छा, बहुत खुश होगी अभी? हाँ, खुश है। हाँ, खुश है। क्या पूछते हैं कि गैस पे जिस तरीके से खाना बनाती थी,
अभी इस पे बनाते हैं, क्या अंतर? थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोल भी रही थी स्टार्टिंग में, उससे ज्यादा थोड़ा इसे परेशानी हो रहा था जलाने में इसको, लेकिन अब जान गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और हम कैमरा वाले के कहेंगे, भैया जी इधर थोड़ा दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, बूंद बूंद करके देखिए कितना बूंद बूंद करके इसमें मूविंग जा रही है, और यहाँ पे देखिए इसका फ्लेम कितना हाई है, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं जी इसका रेशियो क्या है। एक घंटा ये चूल्हा जलेगा तो मोबिल कितना जलेगा? अब एक घंटा जलेगा इस पर क्या बन रहा है उसके हिसाब से, इसका लो कम बेस भी किया जाता है, खाना के हिसाब से क्या बन रहा है उसके हिसाब से कम बेस किया जाता है। अच्छा, तो एक टाइम का खाना 4 से 5 आदमी का बनेगा तो वही 100 ग्राम से 50 से 100 ग्राम इसमें करीब करीब मोबिल लग रहा है, 60 ग्राम मोबिल इसमें लग रहा है। अच्छा, ऐसे इसका हम चेक नहीं किए हैं, चेक करने के लिए मीडिया बंधु हमको टाइम ही नहीं दिए, एक बार एक टाइम खाना बनाए और करीब करीब प्रतिदिन जो है सो आते हैं मीडिया वाले तो हमको चेक करने का इसमें टाइम नहीं मिला, लेकिन 60 ग्राम में ही खाना बन जाता। अच्छा, 60 ग्राम मात्र मोबिल लगा है? 60, हाँ 60 ग्राम उसमें खाना बन जाता है जी। अच्छा, और वो जरल मोबिल? हाँ, जला हुआ मोबिल, जला हुआ मोबिल ला के रख दीजिए अपना जलता रहे जी। और बाकी अगर इसको सेल करिएगा तो दाम कितना? 5000 रुपया इसका दाम है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने ही पब्लिक देख रही है धमाका कॉमेडी टीम यूट्यूब चैनल है, वहां से आके सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे जाके वीडियो पे कमेंट करेंगे तो 1000 का डिस्काउंट दिए देंगे। 1000 का डिस्काउंट दे देंगे उनको, डिस्काउंट दीजिएगा जी प्रचार के तौर पे। अच्छा, तो अभी अगर मान लीजिए कि कोई ये चूल्हा खरीदना चाहेंगे तो फिर? अभी तो फिलहाल नहीं दे सकते हैं, थोड़ा इसमें अभी इसका बताया बता दीजिए, कागज प्रतिक्रिया सब कुछ हो जाएगा, अभी दे देंगे तो कोई कॉपी करके कोई कर लेगा, इसका हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद मार्केट में इसको लाएंगे, और इससे बेहतर ढंग से जो लगे ये चूल्हा है, ये तो ट्रायल में था, ये अभी ट्रायल में जी, इससे बेहतर ढंग से बनाइए लगे जो चूल्हा है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेगा पब्लिक को? पब्लिक से यही कहेंगे जो यूट्यूब चैनल हमारा है वहाँ पे भी जाके देखिए, अच्छा कॉमेडी बनाते हैं, टीम है मेरा 8-10 लड़का का, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या कहेंगे। अच्छा, तो वो कॉमेडी चैनल बनाने के लिए मतलब इसको आपको पहले ही बता चुके हैं जो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, और 1-2 महीना में फिर आप लोग एक बार और आइएगा, कुछ और नया करने वाले हैं, कुछ और नया करने वाले हैं, देख सकते हैं कुछ और नया बनाने वाले हैं ये, और ये कह रहे हैं कि 1 से 2 महीना में फिर आपको आना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं कि फिर 1 से 2 महीना में आएंगे और कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल नया देखने क्या को, कुछ बता दीजिए दर्शकों को। इनके लिए हमारा दोस्त है, इनके लिए एक मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं। मोटरसाइकिल जी, अभी जो मार्केट में स्कूटी है गाड़ी है ये तो चढ़ नहीं सकता है, तो ये बोला है इसके लिए एक गाड़ी बनाएंगे स्पेशल इसके लिए, जो चढ़ने में जाने आने में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ पाते, नहीं पैर नहीं जाता, नहीं नहीं तो छोटा सा बनाएगा, हाँ एकदम मतलब इनके साइज का, इसी का हाइट का बनाएंगे। अच्छा, जो इनको चढ़ने में दिक्कत ना हो, हमारे टीम का है, यूट्यूब में काम करता है, कॉमेडी बनाता है। तो अभी मोटरसाइकिल नहीं चला पाते? नहीं, बैठ भी नहीं पाते, बैठ पाते लेकिन चला नहीं पाते। अच्छा, स्कूटी चला लेता है खड़ा होके। अच्छा, स्कूटी पे खड़ा होके चला लेता है, स्कूटी रोकना होता है तो पीछे से आदमी रहता है, वो अपना पैर लगा के रोक। तो देख सकते हैं पीछे फैन लगा हुआ है और फैन के जरिए ये चूल्हा जल रही है, और ये जो आपको दिख रहा है टंकी, इसमें जला हुआ मोबिल है, और ये बूंद बूंद करके मोबिल इस तरीके से यहाँ पे आता है और उसके बाद चूल्हा जलता है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियर भी जो नहीं कर पाए वो गांव के रहने वाला एक लड़का कर दिखाया, तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।